जी 9 ईयर्स हो गए मुझे सर्विस करते नौ हुए। साल हो गए जी सर। थोड़ा सा जो कमांडो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए ना, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग होती है, मतलब जो हम जिमों में एक्सरसाइज करते हैं कुछ उस टाइप की होती है, उससे बहुत एडवांस लेवल की। वैसे मैं जानता हूँ हर किसी की बस की नहीं है। नहीं, हम लोगों को ट्रेनिंग सबसे डिफरेंट होती है। और सर मतलब एक ट्रेनिंग सेशन जो होता है, अगर मैं बात करूँ तो कितना लंबा होता है वो? मिनिमम 3 मंथ 3 मंथ्स का होता है। और उसमें कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? 24 आवर्स में लगभग 20 आवर्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स मिला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, और सप्लीमेंट खरीदते टाइम के काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं कहूँगा कि एक स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पास। गेस्ट नहीं, मैं कहूँगा कि वो सब कुछ हैं यार। गोपाल सिंह जी आए हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने के लिए, और भाई जो है वीडियो देख के आए हैं, और भाई जो है हमारे देश की सेवा करते हैं, कमांडो ऑफिसर हैं। सबसे पहले तो जो है मैं भाई को सैल्यूट करता हूं, बहुत बहुत सैल्यूट है सर आपको, और बहुत बहुत स्वागत है। सर जो कमांडो ऑफिसर हैं और अपनी फिटनेस को जो है मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने फिटनेस गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सर यहाँ पर आए हैं। तो मैं सर से जानता हूँ कि सर मतलब कैसे आए हैं, क्या नाम है, क्या कारण है, सारी चीज़ें हम जानते हैं, और क्या बॉडी गोल है ये भी मैं जो है जानना चाहूँगा सर। जी मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारी हमारी जो बॉडी फिटनेस है उसे फिट करने के लिए मतलब सप्लीमेंट का खाना बहुत ज़रूरी है जी। हम लोग ऐसी बहुत घर में ऐसी डाइट खाते हैं जिससे अपना जो हमारे बॉडी को पर डे का प्रोटीन चाहिए जी, हम उसे पूरा नहीं कर पाते जी। इसलिए हमको एक्स्ट्रा डाइट करने के लिए प्रोटीन का लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको मैंने देखा था आपका चैनल यूट्यूब में जी। आज के लोग दुनिया बहुत फेक सप्लीमेंट देते हैं जी। तो आपके देखा बिल के विद GST के साथ जी। फिर आपको मैंने सोचा, यहाँ मैंने काफ़ी सुना आपकी दुकान के बारे में कि यहाँ ओरिजिनल मतलब सप्लीमेंट मिलते हैं जी, बिल के साथ जी, जिससे मतलब कोई फेक की कोई वो नहीं जी। इसलिए मैं सुन के मैं आपके यहाँ। मेरा नाम गोपाल सिंह है जी, मैं यूपी से रहने वाला हूँ, इगलास से आया हूँ जी। 9 ईयर्स हो गए मुझे सर्विस करते हुए जी। सर थोड़ा सा जो कमांडो जो है जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए ना, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग होती है, मतलब जो हम जिमों में एक्सरसाइज करते हैं कुछ उस टाइप की होती है, उससे बहुत एडवांस लेवल की। वैसे मैं जानता हूँ हर किसी की बस की नहीं है। नहीं, हम लोगों को ट्रेनिंग सबसे डिफरेंट होती है जी। और सर मतलब एक ट्रेनिंग सेशन जो होता है, अगर मैं बात करूँ तो कितना लंबा होता है वो? मिनिमम 3 मंथ 3 मंथ्स का होता है। और उसमें कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? 24 आवर्स में लगभग 20 आवर्स 20 आवर्स की आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है जी, और 3 महीने तक लगातार चलती है जी। तो दोस्तों जो है कमांडो में जो भाई जाना चाहते हैं, बहुत सारे भाई हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो भाई जो है सबसे पहले तो आपके जज्बे को सैल्यूट है, और भाई 9 साल से सेवा कर रहे हैं देश की। तो ट्रेनिंग सुन ली है आपने, ट्रेनिंग क्या लेवल है, मतलब यार 20 घंटे ट्रेनिंग यार आम आदमी के तो बस के है नहीं, सिविलियंस तो भाई बस अपना ही देख सकते हैं इस ट्रेनिंग का। हम तो जो है 1-2 घंटे सर अगर ट्रेनिंग कर ले तो उसमें ही हम अपने आप को जो है बहुत अच्छा समझते हैं, और सर जो है इतनी जो है फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो फिटनेस लेवल आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले जो है इनके जो फिजिकल वर्कआउट है उसके लिए मैं जो है भाई को सैल्यूट करता हूँ यार, 20 घंटे नहीं है यार अपने बस की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब आप देख रहे हैं क्या फिटनेस लेवल होगा, और उसके लिए भाई ने जो है सप्लीमेंट लिए हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार गोपाल सिंह जी से कि इनका कोई बॉडी गोल है कि मतलब बॉडी गेनिंग करनी है, या फिर आपको सिर्फ मेंटेन रहना है? जी मेरा मेन गोल है बॉडी को फिटनेस रखना जी, बस मतलब फिट रहना चाहते हैं ना, मुझे बॉडी गेनिंग करनी है, मैं फिट रखना मतलब जी, फुर्ती चुस्ती होनी चाहिए बॉडी में जी, जो हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए उसे हम अच्छी डाइट लें जी जी, इसके हमारा एक्स्ट्रा जो वर्कआउट होता है हमारा फिजिकल, अदर हम जो जिम करते हैं जी उसके लिए हम प्रोटीन लेते हैं जी जी, जो हम बॉडी है एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं जी, इसलिए हमारी जो बॉडी को प्रोटीन चाहिए, हम हर चीज़ वो नहीं खाना खा पाते जी, घर में या चाहे वहाँ पर हो, इसलिए एक्स्ट्रा वर्कआउट लिए एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं हम जी जी, इसलिए हम प्रोटीन का बोल। अच्छा सर वैसे आप ये तो डिफरेंस देख रहे होंगे यार, मतलब आज भी अगर हम अपने माँ बाप या बुजुर्गों से कहते हैं ना कि यार हम जो है सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो आज भी इनको गलत नज़रों से ही देखते हैं, तो इसके बारे में मतलब? देखो आजकल जो खाना पीना है वो पहले ऐसा नहीं है, आजकल हर चीज़ में मिलावट है जी, इसलिए आजकल देखो गेहूँ हो दूध हो हर चीज़ हो यूरिया हर चीज़ मिला हुआ है, तो इसलिए आज ज़माने में सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, बिना सप्लीमेंट का बॉडी को ग्रोथ नहीं कर सकते हो बिल्कुल ना, गेनिंग कर सकते हो। हाँ आप कितना भी खा लो पी लो पहले ऐसा खाना नहीं है, आज के ज़माने में सप्लीमेंट का बहुत ज़रूरी है बॉडी गेनिंग के लिए या बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, एक्स्ट्रा जो पावर आप वर्कआउट करते हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों जो है सर ने आपको जो है इतनी अच्छी जो है बात बताई, और सप्लीमेंटेशंस बेसिकली इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल ना तो किसी के पास समय है खाने का और ना वो वाला खाना है, तो ये और फिटनेस अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं, तो आप भी जो है सर की तरह ले सकते हैं। अब हम जानते हैं सर ने क्या क्या लिया है और वो ओरिजिनल है नहीं है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सर क्या लिया है आपने बताइए? जी हमने एक वे प्रोटीन लिया है। जी सर ने लिया है डायमाटाइज इलीट वे प्रोटीन। तो दोस्तों सर ने ये लिया है और ये एक ब्लेंड प्रोटीन है, और सर ने बताया कि इससे पहले जो है आप कौन सा यूज़ कर रहे थे सर? ये मैं ऑन का वे प्रोटीन, ऑन का वे प्रोटीन। तो ऑन का वे प्रोटीन यूज़ कर रहे थे सर, तो सर ने कहा भी था कि सर मुझे वही चाहिए, तो मैंने सर को बोला कि सर देखो अभी जो है ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो इन्होंने जो है चूज़ किया है डायमेटाइज इलीट वे, जो कि दी बेस्ट है, सुपर ब्लेंड प्रोटीन है। इसमें वे प्रोटीन आइसोलेट, कंसनट्रेट, हाइड्रोलाइसिस तीनों फॉर्म मिल रही हैं और अच्छी खासी सर्विंग्स हैं यहाँ पे। मिनिमम फैट है, मिनिमम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक सर्विंग है इसकी 34 ग्राम की, 140 कैलोरीज हैं, टोटल फैट 3 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स 2 ग्राम है, प्रोटीन यहाँ पर 25 ग्राम दिया हुआ है जो कि मसल्स को इंस्टेंट रिकवरी देगा। और अगर आप अपनी फिटनेस को जो है मेंटेन रखना चाहते हैं सर की तरह, तो आप ये ले सकते हैं डायमेटाइज इलीट। पोस्ट वर्कआउट में लेना है ये पानी में। इसके अलावा सर और क्या लिया है आपने? प्री वर्कआउट लिया सर। प्री वर्कआउट क्यों लिया है आपने? आप वर्कआउट करते हो, एक अलग आपके अंदर एनर्जी रहती है, एक बॉडी में पुशअप आता है, एक पंपिंग आती है। आप जितनी आप वर्कआउट करोगे इतना आपको मतलब एक बोलते ना एक ऑटोमेटिक अंदर से फीलिंग आती है वर्कआउट में। और सर जो है आप जो है इसकी मतलब कितनी स्कूप यूज़ करते हैं, क्या आप इसे डेली लेते हैं? जी वैसे मैं डेली नहीं, हफ्ते में 5 दिन लेता हूँ। जी जैसे वर्कआउट से लगभग 15 मिनट पहले एक स्कूप ले लेता हूँ। तो दोस्तों सर ने लिया है यहाँ पर C4 प्री वर्कआउट, और सर जो है इससे पहले कोई और प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे थे और बताया ना सर ने कि बहुत हैवी होता है वो, और हैवी प्री वर्कआउट दोस्तों लेने भी नहीं चाहिए। तो C4 बिल्कुल मीडियम लेवल का है, बिगिनर भी ले सकता है, इंटरमीडिएट वाला भी ले सकता है, और एडवांस वाला भी ये नहीं कहेगा कि यार इससे तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। तो बेस्ट है C4। यहाँ पर जो है सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे आपको, जो कि आपको एक पुश पंप एनर्जी फील कराएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है सर ने भी आपको बताया कि एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपको फील चाहिए ना, तो आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। तो C4 लिया है, और ये भी जो है सर जो है ऐड करेंगे अपने एक्सरसाइज में। और सर ने क्या लिया है सर, और क्या लिया है आपने? एक मैंने एक मल्टीविटामिन लिया है सर। मल्टीविटामिन क्यों लिया है? जब हम जो पर डे गोली खाते हैं, हमारी जो बॉडी रिकवर करने के लिए मल्टीविटामिन गोली बहुत जरूरी है, बॉडी में शाइनिंग लाने के लिए, हमारे जो मसल्स रिकवर करने के लिए। जी जी, इसलिए मल्टीविटामिन लेना जरूरी है। जी तो दोस्तों सर ने जो है मल्टीविटामिन लिया है, और ये बात भी सच है यार, अगर इस कंप्लीट स्टैक जो सर ने लिया है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए, अगर मैं इस कंप्लीट स्टैक में सबसे नेसेसरी सप्लीमेंट कहूँ ना, तो वो मल्टीविटामिन है। क्योंकि यार आपको ही पता है विटामिन ए किसी में, सी किसी में, डी किसी में, यार इतना खाना कैसे खाओगे आप। तो मल्टीविटामिन तो मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई भी बॉडी गोल है, लीनिंग का, गेनिंग का, फैट लॉस, वेट लॉस, आपको ऐड जरूर करना चाहिए। और सर ने लिया है डायमाटाइज का मल्टीविटामिन, जो कि दी बेस्ट है, इंपोर्टेड ब्रांड है। और दोस्तों सर ने एक और चीज़ ऐड की है अपने स्टैक में। सर और क्या लिया है आपने? हमने क्रिएटिन लिया है, लेवरडा का। क्रिएटिन क्यों लिया है आपने? क्रिएटिन इसलिए लिया है, हमारे जो बॉडी में मतलब बहुत से होते हैं, हम वर्कआउट करते रहते हैं, बॉडी में गेनिंग नहीं होती जी, हमारी बॉडी को क्रिएटिन की जरूरत पड़ती है बॉडी में पंप लाने के लिए, स्ट्रेंथिंग के लिए जी, इसलिए आप क्रिएटिन लेना बहुत जरूरी है जी। तो दोस्तों सर ने जो है क्रिएटिन ऐड किया है, और सर की बात भी ठीक है, जब इतना लंबा वर्कआउट चलेगा तो क्रिएटिन एक अलग ही रोल प्ले करता है। ATP सप्लाई करेगा बॉडी में, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, मसल्स को हाइड्रेट भी रखता है, मसल बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। और इस मतलब सप्लीमेंट अगर मैं कहूँ ना, सभी सप्लीमेंट्स में सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता सप्लीमेंट है क्रिएटिन। और क्रिएटिन इकलौता ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। और दोस्तों ये क्रिएटिन सप्लीमेंट मतलब रिसर्चेज में 90% आया है कि हाँ ये फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराता है। तो आपको क्रिएटिन जरूर ऐड करना चाहिए अपने फिजिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। लेवरडा का क्रिएटिन सर ने लिया है, और सर ने अपने दोस्त के लिए भी लिया है कुछ क्रिएटिन और प्री वर्कआउट। तो ये सारी चीज़ें ली हैं दोस्तों यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया क्रिएटिन का लेने का जो टाइम है वो प्री वर्कआउट में ले सकते हैं आप ग्लूकोज के साथ, लंच करने के बाद भी ले सकते हैं। तो क्रिएटिन का वैसे स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि इसका एक अलग ही रोल होता है। ऐसा नहीं है कि यार ये आपने लिया और आपको जो है 15 मिनट में कुछ जो है कमाल करके दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो है क्रिएटिन लिया है, और मल्टीविटामिन जो मील के साथ में लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं प्राइस की भी डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि सर प्राइस भी बताया करें। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो डायमेटाइज का जो मल्टीविटामिन है GMC ऑथराइज इंपोर्टर हैं, और MRP उन्होंने दिया हुआ है इसका 1999 पर सप्लीमेंट वाला, पर सेलिंग प्राइस है 1400 रुपये। इसके अलावा क्रिएटिन का जो सेलिंग प्राइस है वो 650 रुपये, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। अगर मैं बात करूँ C4 की, तो C4 का जो MRP दिया हुआ है इसके इंपोर्टर ने वो है 4499 पर सप्लीमेंट वाला, पर सेलिंग प्राइस है इसका 2850 रुपये। और डायमेटाइज इलीट
ऑथराइज इंपोर्टर जीएमसी एमआरपी 7699 सेलिंग प्राइस है अभी 5150। कुछ हाइक हुए हैं जैसा कि मैं आपको अपडेट कर चुका हूं पहले वीडियोज में। तो ये लिया है सर ने और ये पूरा जो है सर को ओरिजिनल मिला है विद जीएसटी बिल करंट इंपोर्ट टैग और सारी चीज़ें सर ने जो है चेक कर ली हैं। अब मैं एक सवाल जो हर किसी से करता हूँ, वैसे तो देखो यार सर कोई सिविलियन तो है नहीं ये यार, मतलब कमांडिंग ऑफिसर हैं, कमांडो में हैं ये और देश की सेवा करते हैं, तो ये तो जो है आपको सही सलाह देंगे ही देंगे। तो इनसे मैं पूछता हूँ कि सर यहाँ पर आपने 18% टैक्स पे किया है, अगर मैं बात करूँ तो आपने ऑलमोस्ट आपने 1500 से 2000 रुपये का टैक्स दे दिया है, क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि फेक माफिया क्या है ना, जो हमारे सिविलियंस हैं जो उन सबको कहता है, बिगिनर स्पेशली कहता है कि यार आप ये पैसे बचा सकते हो और आपको पता है आम आदमी के लिए 1500 से 2000 रुपये मैटर करते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या फ़र्क पड़ा और क्या सलाह देना चाहेंगे आप सब? फ़र्क से ये पड़ता है सर, हम लोग जो चीज़ सप्लीमेंट लिया है ये फेक नहीं, रियल है, ये बिल इस चीज़ का सबूत है जी। अगर कल परसों कुछ हो जाता तो बिल हम जीएसटी तो हमको आम हमें यदि हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो हमारा आएगा कहाँ से? हर इंसान को टैक्स देना चाहिए, जीएसटी लगाई सरकार ने इसलिए। और मेन चीज़ हमारा ये 100% प्रूफ है, ये जितना भी चीज़ हमारा सारा ओरिजिनल है। और सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे सारे भाइयों को जो व्यूवर्स हैं? सलाह मैं ये देना चाहूँगा आज के जितने युवा हैं, अपना फिजिकल बोला फिट इंडिया जी, तो यंग इंडिया जितनी फिट रहेगी देश इतनी तरक्की करेगा। सर ने जो है आपको सलाह दी है और सर कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, जीएसटी देना चाहिए और सर ईमानदारी से जो है आपको अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, इतने अच्छा आपको एडवाइस कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस एडवाइस के लिए अब आप तो जो है सर को स्पेशली थैंक यू नहीं कह सकते फिजिकली, बट मैं कह देता हूं आप सबकी तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है इतने अच्छे से हमको गाइड किया। और एक बार मैं फिर से सर को सैल्यूट करता हूं कि ये हमारे देश की सेवा करते हैं सर, इसके लिए मैं फिर से जो है सैल्यूट है सर आपको। दोस्तों तो ये कंप्लीट जो है स्टैक आप भी ले सकते हैं फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए। अब सर जितनी तो मेहनत कोई नहीं करता होगा यार, तो आप जो है मंगा सकते हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए, सप्लीमेंट विला दी बेस्ट ऑप्शन है। सर भी आए हैं, आप भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो मंगा सकते हैं, कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोज देखते रहने के लिए। दोस्तों फेक माफिया से बचिए और ओरिजिनल सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट विला को याद रखिए। नमस्ते, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।